अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अख्तर ब्लॉग। आज मैं आया हूँ राजा कटरा, और ये देखिए राजा कटरा में एक दुकान है, क्योंकि टॉफ़ीज़ वगैरह है, चॉकलेट है, बहुत सारे हैं, अलग अलग है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये है दुकान का नाम है विनय उद्योग, और ये दुकान राजा कटरा में है। आप यहाँ आना चाहें बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं, बिल्कुल हावड़ा या सियालदह से बिल्कुल आसानी से। राजा कटरा बड़ा बाज़ार में पूरा मशहूर मार्केट है ये। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट भाई से मिलता हूँ और फिर पूरी जानकारी करता हूँ कि क्या क्या आइटम है और किस किस रेट में मिलेंगे, कहाँ से लेने में क्या फ़ायदा है नहीं है। तो आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए देखें, बहुत ही मज़ा आएगा। आज का वीडियो बिल्कुल अलग थिंकिंग पे मैं बनाने आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल अलग अलग आइटम है। तो चलिए, मैं आपका समय को बिल्कुल एक बार फिर बता रहा हूँ, वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट मिलता हूँ भाई से। नमस्कार दादा। नमस्कार। की नाम आछे बोलता अपना? हमारा नाम कमल साधु का। कमल साधु? कमल साधु का। अच्छा, साधु का। सर, आप लोग किस चीज़ पे डील करते हैं? लॉजेंस आइटम में, मैंने हमारा लॉजेंस आइटम बेसी बिक्री करें। अच्छा, लॉजेंस आइटम ही बेसी बिक्री करें। तो अनेक रकम प्रोडक्ट होबे, अनेक रकम आइटम होबे, विभिन्न कंपनी, विभिन्न रकम लॉजेंस। अच्छा, जेटा बोलबेन पे जाबेन सब रकम। तो सर, আমি যে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, যদি আমার ভিউয়ারটা এখানে আসতে চায় কিভাবে আসবেন? কাস্টমারটা যদি আসতে চায় তো আমাদের নাম্বার দেয়া থাকবে, স্ক্রিনে দেয়া থাকবে আমাদের নাম্বার, নম্বরে ফোন করবেন। রাজাকাটা এসে ভীমনাগে মিষ্টির দোকান। আচ্ছা, ওখানে এসে দাঁড়ালে আমাদের লোক গিয়ে নিয়ে আসবে। তো চলুন, কি দেখাচ্ছেন আপনি? দেখাতে চাই এই যে ম্যাট বয়। আচ্ছা, ম্যাট বয়। ম্যাট বয় এটা হচ্ছে একটা রোল, একটা রোল প্যাকেটের মধ্যে দু রকম টেস্ট পাবেন। আচ্ছা, দু রকম টেস্ট পাওয়া যাবে, এই তো দুধের আর একটা হচ্ছে চকলেট। চকলেট এটা আমরা 30 পিস থাকে, 150 টাকা বিক্রি হবে, 150 টাকা এমআরপি আছে। আচ্ছা, এমআরপি আছে 150 টাকা। এটা আমরা দাম নেব 100 টাকা। আচ্ছা, মানে 150 টাকা দাম আছে আর 100 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে। পেয়ে যাচ্ছে না? ওয়াও। তো জেসা কি আপনি দেখা, 150 রুপে মে বিক্রি করতে গিয়ে 100 রুপে মে আপকো মিললা। আর কি আইটেম দেখা রে স্যার? এ লাভ বাইটা। লাভ বাই? হ্যাঁ, লাভ বাই 150 টাকা এমআরপি আছে, এটা পেয়ে যাচ্ছেন 100 টাকা। এটাও 100 টাকা? 30 পিস মাল আছে। 30 পিস মাল আছে, 5 টাকার মাল। 5 টাকার মাল মানে 5 এর 30 5 15 টাকা বিক্রি, 150 রুপে মে বিক্রি হয়। ওয়াও। এটা কেজি বল, কেজি বল, এটা এর মধ্যে খেলনা আছে, ক্রিম আছে, এটাও 30 পিস মাল, 150 এমআরপি, এটাও 100 টাকা পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এটাও 100 টাকা। তো ইসমে খেলনা ভি হ্যায় অর বল ভি হ্যায় না? হ্যাঁ হ্যাঁ, खिलौना है, क्रीम है, बॉल। अच्छा, ये देखिए, ये पूरा इस तरीके से एक बॉल के अंदर क्रीम भी है और खिलौना भी है, जैसे किंडर जॉय में होता है, है ना? आप जैसा कि देख रहे हैं, बिक्री भी बताया जा रहा है और आपको खरीदारी भी बताया जा रहा है। এটা জেলি আছে, সফট, একটা নরম জেলি আছে। আচ্ছা, নরম জেলি আছে, নরম আছে এটা। আচ্ছা, লালিপপ এর মত আছে না? লালিপপ এটা হচ্ছে আমরা 40 পিস আছে একটা বক্সে, একটা বক্সে 40 পিস। হ্যাঁ, এটা 200 টাকা বিক্রি আছে, 200 টাকা এমআরপি আছে, এটা আমরা দাম নেব 140 টাকা। 140 টাকা মানে 60 রুপিয়া 80 রুপিয়া এক মানে বক্স মে কমাই হয়ে সকতা হ্যায়। বিলকুল। একটা আছে দেখুন, কিটকাট। আচ্ছা, ইয়ে কিটকাট হ্যায়? কিটকাট হ্যায়। আর এ মাঞ্চ। আচ্ছা, ইয়ে মাঞ্চ হ্যায়? এ ওয়ালা মাঞ্চ হ্যায়। ये 40 पीस है। अच्छा, ये 40 पीस है ना? 200 टका एम आर पी है। अच्छा, 200 रुपया एम आर पी है, बिकेगा 200 रुपया, हम लेगा 120 रुपये। 120 रुपये, चलिए इसमें 80 रुपया कमाई होने वाला है भाई। ये देखिए, ये मंच है, ब्लू और रेड दोनों कलर है। चलिए, एक काजू अच्छे, गोवा काजू ब्लीच का। वाह, ये वाला 200 पीस का है, 200 रुपया उठेगा, एम आर पी 200 है, हम लेगा 95। वाह, इसमें तो मतलब डबल फायदा है भाई। डबल फायदा। वाह, तो ये 95 में लेकर के 200 रुपए में बिक्री कर सकते हैं। ये हेजल है। वाओ, ये 30 पीस माल आछे, 30 पीस। हां, एला 150 টাকা এমআরপি আছে, আমরা নেব 100 টাকা, সে 100 টাকা, 100 টাকা, 150 টাকা এটা এমআরপি, এমআরপি আছে। তো 150 में বিকেগা, ये 100 रुपए में आपको यहां मिलेगा। चलिए, बहुत जबरदस्त। একটা যে চকোবার, এই কোম্পানিরই আছে। আচ্ছা, এই চকোবার। আচ্ছা, এটা চকোবার। চকোবার এটা আপনার 30 পিস আছে, 150 এমআরপি, 100 টাকা দাম, সেম দাম, 100 টাকা, 100 টাকা। মানে বেশিরভাগ এরকমই পাওয়া যাচ্ছে, বেশিরভাগ 100, 105, 10 এরকমই দামে পাওয়া যায়, 95 এই দামের মধ্যেই পেয়ে যাবেন। তো একটা আছে টাফেল এক্লার্স। ওয়াও, এটা প্রচুর বিক্রি এই মালটা। ইয়ে মাল কা বহুত বিক্রি হ্যায়। 220 পিস হ্যায়, ইসকা দাম পর জায়েগা 110 রুপিয়া। মতলব 220 পিস হ্যায় তো 220 রুপিয়া মে বিকেগা, 110 আর 110 রুপিয়া দাম হ্যায়। ওয়াও, स्माइली है, चोको बॉल, स्माइली चोको बॉल। अच्छा, इसका अंदर स्माइली चोको बॉल, कैडबरी चोको है। वाओ, थोड़ा सा इधर से दिखाएंगे, 100 रुपया ये, 100।
और इसमें 200 पीस है ना, 200 पीस। चलिए ये वाला मिल्की एक्लर्स है भाई, कितना सारा, वाओ मिल्की है, दूध रश है, दूध रश वाला 220 पीस है, 200 पीस है, 200 पीस। अच्छा इसका दाम पड़ जाएगा 110 रुपया। ओसानेर केक आछे। अच्छा ये केक है ना, केक है, इसका अलग अलग सब फ्लेवर होगा। चार पांच फ्लेवर पावा जाएगा ना। चॉकलेट होगा, स्ट्रॉबेरी होगा, आरो उन्नोनोन वैरायटीज होगा। तो 250 টাকা এমআরপি আছে, 50 পিস মাল আছে, এটা আপনার দাম পড়ে যাবে 175 টাকা, সেফ 175 টাকা। ও, আর এটা মানে 250 টাকার মধ্যে বিক্রি হবে? হ্যাঁ, এটা 250 টাকা বিক্রি হবে, আপনার লাভ হচ্ছে 75 টাকা, লাভ হয়ে যাচ্ছে 75 টাকা লাভ হচ্ছে। तो मतलब ये सब माल जो है, मतलब दुकान अगर ये हमारे तमाम उन भाइयों के लिए जो भाई छोटा मोटा कारोबार करना चाहते हैं, यहाँ से मेरे ख्याल से 5-10 हज़ार का अगर सामान लेते हैं तो डबल का थोड़ा सा चांस है कि नहीं भाई? ये जो पाल्स है बांटी कंपनी का जी, ये पाल्स 170 पीस माल है, 170 पीस इसका दाम पड़ जाएगा 75। 170 पीस माल है, 75 में यह पाल्स मिलने वाला है आपको। इस तरह का आरो माल है, वो होने जो जेली है, जास जेली, जास जेली, जास जेली सेम माल है, 150 पीस का, इसका दाम पड़ जाएगा 88। इसमें 150 पीस है, 150 पीस वाओ, तो मैंने 150 रुपए में बिकेगा ये। हाँ, 150 रुपए आराम से 60-70 रुपए एक बॉक्स में कमाई होने वाला, एक बॉक्स में कमाई। चलिए भाई, आइटम तो इतने सारे हैं कि पूरा आइटम दिखाना पॉसिबल नहीं है। जो टाफेल है कैडबरी, वाओ कैडबरी आइटम, ये वाला तुम्हारा 350 एमआरपी है जी, इसका दाम पड़ेगा 240 रुपया। 240 रुपया और ये बिकेगा 350 में, मतलब 110 इसमें फायदा होने वाला है। चलिए ये जो पांडा है, अच्छा ये पांडा है, ये वाला दो किस्म, एक पैकेट में दो ठो है। अच्छा इसका दाम पड़ जाएगा 100 रुपया। 100 रुपया 30 पीस है, 150 उठेगा। दाम है 100 रुपया दाम है पांडा। पांडा जार भी बहुत अच्छा इसका। हाँ हाँ, इसका जार बहुत, जार बहुत अच्छा खूबसूरत बनाया है, बहुत बिकता है वाला, बहुत बिकता है। नहीं ये ब्लैक एंड व्हाइट सेम है, एक ठो में काला है, एक ठो में सादा है, दोनों ही चॉकलेट है। अच्छा ये वाला दाम पड़ जाएगा 105 रुपया। 105 रुपया 30 पीस माला है, 150 एमआरपी है। चलिए तो 3×5=15, 150 रुपये में बिकेगा। इस तरीके बहुत आइटम है, ये वाला है इंग्लैंड, ये 2 रुपये का माल है, ये वाला 160 पीस माल है, 160 पीस माल है, इसका दाम पड़ जाएगा 205 रुपये। 205 रुपये, 2 रुपये करके बिकता है ना ये? है 2 रुपये करके। अच्छा ये 10 पीस फ्री क्या लिखा हुआ है? इसका 150 पीस और 10 फी है। अच्छा 160 पीस हो जाएगा, 160 ये एक्स्ट्रा फायदा, एक्स्ट्रा फायदा। चलिए ये जो सेंटर फूड है वही उस तरीके का माल है, फ्रेश फूड, इसका दाम है 75 रुपया, 150 पीस माल है, 150 पीस माल, 150 रुपया एमआरपी है, एमआरपी है, एमआरपी 175 पीस माल है जी, 75 150 पीस माल है, 150 रुपया उठेगा, 75 दाम है। तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त माल है, इधर लॉजेंस आ चाहिए, इधर मधुर कंपनी माल आ चाहिए। अच्छा मधुर कंपनी, मधुर है, ये सब अलग अलग फ्लेवर होगा। अच्छा इन मध्य 5 फ्लेवर आ चाहिए ना, 160 पीस माल है। अच्छा ये इसका दाम पड़ जाएगा 80 रुपीस, 80 रुपीस और 150 पीस माल है, 150 पीस माल है, 160 पीस, 160 पीस, 160 रुपये बिकेगा ये वाला। चलिए बहुत ज़बरदस्त है। और वो वाला चोकोटॉप है, उसन का चोकोटॉप। अच्छा ये वाला चोकोटॉप है, इसका दाम पड़ जाएगा 185, 145 पीस माल है, 145 पीस माल है ना। हाँ, ये 290 उठेगा। अच्छा 200 एमआरपी, 290 185 रुपये दाम है। चलिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा जो लॉजेंस का टॉफी का ये जो एक खजाना है भाई, ये देखिए ये एक अलग अलग जार में है पूरा एकदम अलग, मतलब ये जार अगर बच जाता तो ये जार भी आप बिक्री कर सकते हो 5-10 रुपये में। ये जो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप 2 रुपये वाला लॉलीपॉप है, 100 पीस है, 200 उठेगा। हाँ? ये वाला दाम 100 रुपया, सेव 100 रुपया और इसमें डबल फायदा, डबल फायदा है। चलिए ये देखिए ये सब क्या है भाई, तो जेली है, मिक्स जेली। अच्छा ये मिक्स जेली, जास जेली, जे अच्छा एक ही माल है। अच्छा ये एक ही माल है। सब ये सब क्या प्राइस है, इसमें कितना फायदा हो सकता है? 90 रुपये। अच्छा 90 रुपये इसमें है, 150 पीस, 150 पीस है, 150 रुपये उठेगा।
वाह, ये सब क्या, ये खिलौना है क्या? खिलौना है, खिलौना का अंदर का लाइजेंस है। अच्छा, खिलौना का मतलब अंदर में जो है सब खिलौना, वो एक चूटी अंडा एक आता था जिसको हम लोग चूटी अंडा बोलते हैं बचपना से। तो आज समझ लिया कि मेरा बचपना याद आ गया भाई, मज़ा आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा वीडियो बनाने में। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बचपने में हूँ। और ऐसा आइटम ये सब क्या प्राइस पड़ता है? ये दाम है 32। 32। अच्छा, इसमें 12 पीस है। 12 पीस ये बिकेगा कितना में? 60 रुपया। 60 रुपये में बिक जाएगा, 5 रुपया करके ना। सब इसमें वैरायटीज क्या क्या? अलग वैरायटीज है। वैरायटीज थोड़ा सा दिखाएं? देखिए, वाह, ये तो टीवी का ये दिया हुआ। ये देखिए, ये बाल्टी है। वाह, मजा आ गया भाई। वाह, ये बटरफ्लाई है। ये बटरफ्लाई है। तो इसमें आइटम बहुत सारे हैं। बहुत सारे, ये वाला है। वाह, ये देखिए, ये आम है। ये आम है ना? ये है, गाड़ी है। चलिए, ये सब मतलब आपका क्या, सब एक ही प्राइस का है क्या? एक ही प्राइस का है। अच्छा, ये वाला जो बॉल उल टाइप का जो है, ये वाला 95 रुपये दाम है। 95। अच्छा, 30 पीस है, 150 उठेगा, 95 दाम। 95 रुपीज। ये वाला बॉल है, ये 95 दाम है। ये भी 95 दाम है। ये पूरा एक मतलब पूरा लेना पड़ा। हाँ हाँ, ये वाला 30 पीस है, वो 95 दाम है। वाओ, खिलौना में लूडो है। अच्छा, लूडो भी है संग में। इसका दाम है 38। अच्छा, ये खिलौना 12 पीस है, 60 रुपया, 38 दाम है। 38, 12 पीस का 38 रुपया। एक तो लूडो, एक तो मोटी, एक इसके साथ ये खिलौना है। वाओ, 38 में मतलब 12 पीस। 12 पीस भाई, तो कम से कम 10 रुपये में बिकने वाला आइटम है। अच्छा, ये की पाउच आचे? पाउच आचे, 160 पीस माल आचे। 160 पीस माल आचे, 45 दाम है। ओनली 45? ओनली 45। वाओ, तो यहाँ पर ये पाउच वाला आइटम भी बहुत सारा है। इमली लालीपॉप है बंटी का। अच्छा, ये वाला दाम से 45। इसमें रहता कितना पीस है भाई? इसका 70 पीस है, 1 रुपया। 70 रुपये में बिकेगा ये। तो ये आइटम का नाम है मोबाइल है। अच्छा, मोबाइल में वही चुटी अंडा। हाँ, चुटी अंडा है। चुटी अंडा, वो कलरिंग छोटा छोटा मिठाई होता है। 30 पीस है। 30 पीस का दाम है 97। 97, ये कितना, 5 रुपये में बिकता है कि 10 रुपये में? चलिए, ये लॉलीपॉप है, बहुत बिकता है वाला माल। अच्छा, ये लैपटॉप लॉलीपॉप, लव पॉप। अच्छा, लव पॉप, ये अंदर में 150 पीस है। अच्छा, 150 रुपये बिकेगा, इसका दाम लेगा सिर्फ 90 रुपया। सिर्फ 90 रुपया, बहुत सेल है इसका। नहीं, बहुत सेल, ट्रेंडिंग आइटम। अच्छा, ये क्या है दादा? ये हजमला है। ये हजमला खुला। अच्छा, दाम है 14 रुपया। 20 पीस रहता, 20 पीस रहता पैकेट। 20 पीस रहता एक पैकेट में ना? हाँ। चलिए, पेटी में 100 पीस रहता। 100 पीस रहता है। এইটা তো যে আপনি দাম বললেন, মানে এক বক্সা দু বক্সা যে নেবে তার জন্য। আর যদি লোক এক এক কার্টুন করে নেয়, কার্টুন নিলে রেট আরো কম হয়ে যাবে। পুরো কার্টুন একটা নিতে গেলে, যে এক আইটেমের একটা কার্টুন নিয়ে নিল, মানে 10-12 রকম, তাহলে ওর মধ্যে কিছু রেটটা কম হয়ে যাবে। আর একটা মোড়ে মোটামুটি 10,000 টাকা, 8-10,000 টাকা মাল এক মোড়ে চলে যাবে। এক মোড়ে চলে যাবে না? ট্রান্সপোর্টে যে নামে ট্রান্সপোর্ট বলবেন সেই নামেই পাঠিয়ে দেবো। পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा आइटम है। ये छतरी है ना? छतरी है। इसके अंदर में कैडबरी है। अच्छा, ये 40 पीस का माल है। 40 पीस रहता है ये वाला। इसका दाम लगे 140। এটা কত? 10 টাকা বিক্রি নাকি? 5 টাকা। 5 টাকা। আর এইটা কি আছে? এটা চাঁদ তারা আছে। আচ্ছা, চাঁদ তারা, ये भी बहुत डिमांड है। हां, बहुत डिमांड। ये 300 पीस रहता है इसमें। अच्छा, और इसका दाम है 45। बहुत आइटम आ जाए, बहुत आइटम है भाई यहाँ पर। ये सिरिंच का है क्या? सब हेक्सिन है। इसका अंदर तो में इसका अंदर में चॉकलेट है। अच्छा, इसका अंदर में चॉकलेट है। इसका दाम पड़ जाएगा 95। 30 भी रहता है, 150 उठेगा। चलिए, ये सब क्या आता था? वाला आईफेल है माल। अब स्क्वाड गेम। अच्छा, स्क्वाड गेम। हाँ, इसका दाम है 105 रुपया, 30 पीस रहता है, 3.5 150 उठेगा, 150 रुपये एम आर पी। चलिए, এটা কি আছে? এটা মিল্কি ওয়ান্ডার্স, এটা দুধের ক্যাডবেরি আছে। এ वाला माल 33 পিস রাতা है, इसका दाम लेगा 100 रुपया। 100 रुपया। चलिए, बहुत बिकता है वाला माल। ये सब भी उसी टाइप का है। हाँ, तो और भी आइटम माल है। 1 रुपया है, आचार फाचार बहुत सारा आइटम होगा। खिलौना फिलौना सब आइटम। तो सब आइटम है यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर भी मैं है, ये देखिए, इधर एकदम अलग अलग टाइप का आइटम है। लिपस्टिक है। अच्छा, लिपस्टिक जेली।
30 पीस आता है, 30 पीस बहुत आइटम है। इसका दाम है 122 रुपया, 150 उठेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने सारे आइटम हैं। तो ये हैं हमारे शॉप के ओनर, जो विनय उद्योग के मैंने ओनर हैं, मैं उनसे मिलता हूँ। सर, आपका दुकान वाकई में बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़बरदस्त माल भी है, माल भी बहुत काफ़ी बढ़िया बढ़िया भाई ने दिखाया। तो मैं सर यहाँ पर एक बात पूछना चाह रहा था कि जैसे कि बहुत सारे हमारे व्यूअर जो कोलकाता में है वो तो यहाँ विजिट कर लेंगे, जो कोलकाता के बाहर है उनके लिए क्या? नहीं, जैसे कोई हावड़ा स्टेशन से आ सकता है तो उसके लिए 44 बहुत सा बस है जो MG रोड के ये तरफ जाती है। अच्छा, उस बस में आएंगे और ऐसे ही हावड़ा ब्रिज से नीचे उतरता है, राजा कटरा फेमस मार्केट है जी, वहाँ से आ जाएगा। और यहाँ पे एक मिठाई का दुकान है, बहुत फेमस मिठाई दुकान है, भीमनाग मिठाई दुकान के पास आने से हम लोग का नंबर जो है उसमें फ़ोन करेंगे, हमारा आदमी जाएगा और ले आएगा। और सियालदा से भी आने से, जो हावड़ा सियालदा से हावड़ा जाती है, उधर में बड़ा बाजार लास्ट स्टॉपिस, जो बड़ा बाजार लास्ट स्टॉपिस है, वहाँ आने से फिर वहीं हम लोग का राजा कटाई पहुँच, सर वहीं पहुँच जाएंगे। तो सर, अगर जैसे मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा था कि अगर लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो उनको आपका माल चाहिए, तो वो लोग कैसे मंगाएंगे? नहीं, यहाँ पे क्या है कि हर माल ट्रांसपोर्ट से ही माल जाता है, और बड़ा बाजार इसीलिए इतना फेमस है कि यहाँ सब ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट में बोलेंगे उसी ट्रांसपोर्ट में माल लग जाता है। यहाँ क्या ऑनलाइन पेमेंट करेगा और माल, कोई ज़रूरी नहीं है आना है, ऑनलाइन से व्हाट्सएप में सब नंबर हम लोग का सारा माल का डिटेल्स पहुंच जाएगा, और वो चाहेंगे और वीडियो कॉल में माल भी दिखा सकते हैं, वीडियो कॉल में माल दिखा सकते हैं, व्हाट्सएप में अपना माल का डिटेल ले सकते हैं, और पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जी। जी, वो तो सिस्टम उसी है, मैं पेमेंट करेंगे और उनको पहुँच जाएगा, उनका ट्रांसपोर्ट में वहीं तक माल पहुँच। चलिए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। जैसा कि आप यहाँ अगर नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी माल देख सकते हैं। तो चलिए, इसी बात पे मैं अपनी वीडियो को अब ख़त्म करता हूँ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।